सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब पे अभी नए नए काम कर रहे हैं और नए नए काम करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर यूनिक। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, सभी का टाइम कम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके जानते होंगे कि एक नए यूट्यूबर के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे काम करना कितना कठिन होता है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले तो आपके पास अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आप बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप एक अच्छा फ़ोन ले लेते हैं तो आपको उसी से काम हो। लेकिन आप वहीं अगर चाहते हैं कि हमारा थोड़ा अच्छा क्वालिटी भी आए वीडियो में, तो आपको थोड़ा अच्छा फ़ोन लेने की, जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि मेरा फ़ोन जो है, मेरा फ़ोन वीवो V40 मैं जो कि इसी महीने लिया हूं और जो कि इसका हम अनबॉक्सिंग भी किए थे, आप सभी को इस वीडियो में लिंक दे देंगे, आप सभी देख लीजिएगा। तो ये तो ही कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए, ये तो हुआ पहला। अब दूसरा आपका है कि आपके पास स्टैंड भी होना चाहिए ना। देखिए क्या होता है कि जब मान लीजिए आप स्टार्टअप करते हैं तो आपके जो कि साथ कोई नहीं देगा, समझिए, तो आपको खुद अपना काम करना होगा और आपको एक अच्छा जो कि चाहिए क्या, ट्राईपोर्ट। तो वो आप सभी को हम दिखा देंगे, आप सभी देख सकते हैं कि ये हमारा ट्राईपोर्ट है, आप सभी देख सकते हैं। तो ये मैं कितना में लिया, आप सभी को मैं बताऊंगा परचेज किया हूँ कितना में। तो और ये दो हो गया, और तीसरा होता है आपके पास जो है एक अच्छा माइक होना चाहिए आपका वॉइस क्वालिटी के लिए। भले ही आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा है, आपका स्टैंड भी है, लेकिन अगर आपका वॉइस अगर अच्छा क्लियर नहीं आ पाता है तो उससे जो कि पब्लिक बोरिंग हो जाएंगे। तो आपको तीन बातें ध्यान रखना है, आपको अच्छा फ़ोन होना चाहिए अच्छा क्वालिटी का, दूसरा आपके पास एक अच्छा स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई इंसान नहीं है साथ देने के लिए तो आपको जो कि ट्राईपोड होना ज़रूरी है, और जो कि तीसरा आपको होना चाहिए कि आपको एक अच्छा माइक होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो हम बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि हमारा फ़ोन कौन सा हम लिए हैं और कौन सा जो कि हमारा ट्राईपोड है और क्या हमारा माइक है, ठीक है ना? तो गाइस, सबसे पहले जो कि मैं बता दूं कि जब स्टार्टअप किए थे तो हमारे पास समझिए कि एक अच्छा फ़ोन भी नहीं था और ना ट्राईपोड था और ना माइक था। तो हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन था जो कि उसी से मैं अपना वीडियो शूट किया करता था, और ना ही हमारे पास जो कि स्टैंड था, तो समझिए कि एक होता है ना लोहा टाइप का होता है, उसको लगा करके जो कि तब मैं अपना वीडियो शूट करता था। और हमारे पास जो कि एक अच्छा माइक भी नहीं था जो मैं अच्छा एक वीडियो शूट कर सकूँ, लेकिन उसके लिए क्या था कि मैं एक जो हेडफोन होता है उसी को मैं जो कि अपना माइक बनाया हुआ था पहले। अब दोस्तों, ये क्या हुआ, देखिए एक कहावत है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन वही बात हुआ कि मैं एक अच्छा, हमारे पास एक फ़ोन भी है अभी और हमारे पास एक अच्छा ट्राईपोर्ट भी है, और जो कि मैं एक माइक लिया हूँ जो कि वायरलेस माइक है। आप सभी को इसका हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि इसका आवाज़ का क्वालिटी कैसा है, इसका आवाज़ का बेसिस कितना है, ठीक है ना? तो आइए, आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहें, आप सभी को हम दिखाते हैं हमारा माइक कैसा है जो कि ये परचेज किए थे। आइए दिखाते हैं। सो फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारे पास जो कि एक माइक है, वायरलेस माइक है ये, जो कि मैं परचेज किया हूँ, जो कि मैं फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। हमें गाइस इसका प्राइस बताएंगे बाद में, पहले इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, आप सभी को दिखाते हैं कैसा इसका वॉइस का क्वालिटीज़ है, कैसा क्या है, ठीक है ना? तो पहले क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से अभी ओपन कर लिए हैं, इसको यहाँ रखते हैं। आपको गाइस बता दें कि इसमें जो है इसका माइक जो है, माइक का जो कि इसमें दो है, समझिए, तो दो इसमें माइक है, एक जो कि इसका कनेक्टर है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो कि माइक हो गया, इसमें देखिए पहले इसका वायर दिया रहता है, आप सभी देख सकते हैं ये वाला जो कि चार्जिंग के लिए, चार्जिंग सपोर्ट के लिए। सो देखिए छोटा सा जो कि होता है कनेक्टर जो कि टाइप सी है। चलिए इसको आप सभी को हम लोग इस पर रखते हैं, अगला दिखाते हैं। अब देखिए ये हमारा माइक हो गया, इससे पहले आपको दिखा दें कि एक और कनेक्टर है जो कि ये आईफोन के लिए होता है, आप सभी देख सकते हैं इस तरह से ये है, ठीक है ना? तो इसको भी अभी रखते हैं, हम इसको भी रख देते हैं। ये हमारा गाय देखिए माइक है। सो दोस्तों, इस माइक को हम परचेज इसलिए किए क्योंकि इसमें जो कि जो बर्ड्स होता है ना उसी टाइप में होता है जो कि माइक रखने के लिए, इस तरह देख सकते हैं ये गाइस हमारा माइक है, वेरी नाइस, बहुत ही गाइस अच्छा है। देखिए इस तरह से इसको हम अभी ओपन करते हैं, थोड़ा कैमरा ऊपर ले लेते हैं, देखिए इस तरह से
इसको भी इस तरह से ओपन करना है। देखिए इस तरह से जो कि दो माइक है और एक जो कि इसका कनेक्टर है, एक तो आईफोन का था ना और ये टाइप सी है, हर एक फ़ोन में आ जाएगा, जो कि जिसका फ़ोन का जो चार्जिंग है वो जो कि उसका होना चाहिए टाइप सी। ये देखिए इस तरह से ये है और देखिए यहाँ पे दो माइक दिया गया, आप सभी देख सकते हैं, एक और दो। इस दोनों को भी निकालते हैं, इसको यहाँ नीचे रख देते हैं, देखिए इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे ये एक कनेक्टर है, आपको इसको लगाना है अपने चार्जिंग का जो होता है, जहाँ आप चार्ज करते हैं अपने फ़ोन को, उसका जो वायर होता लगाने के लिए उसको आपको वहाँ पे इसको लगा देना है, ठीक है। और ये हमारा हो गया माइक, दो माइक है। चलिए इसको एक को भी हम रख लेते हैं नीचे, एक को रख लिया। अभी हम इसको हम चेक करने वाले हैं इसका वॉइस का क्वालिटी कैसा है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको हम ऑन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए इसका जो स्विच दिया गया, आप सभी देख सकते हैं ये स्विच है, तो इसको हमको यहाँ पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक देखिए ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये ऑन हो चुका है, आपको ग्रीन लाइट दिख रहा होगा। अब ये हमारा कनेक्टर है, इसको हम इसमें अभी अटैच करते हैं अपने फ़ोन के जैक में। तो इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कनेक्ट। चलिए ये हो चुका है कनेक्ट। तो सो दोस्तों ये भी कनेक्ट हो चुका है। आप सभी को बता दें कि आप सभी का वॉइस कैसा क्लियर है, आप सभी बताइएगा। सो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं दोस्तों, आज फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम दुर्गानंद कुमार है, तो गाइस है ना गजब की आवाज, तो इसीलिए जो कि ये मैक हम परचेज किए हैं। मैक का जो प्राइस है इसका जो कि हमको 1100 पड़ गया, ठीक है ना। तो आपको हम इस वीडियो में इसका लिंक दे देंगे, आप सभी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको आराम से देख सकते हैं इसमें, जो कि आपको सारा दिखा देगा डिटेल्स में, और इसको परचेज कर लीजिएगा। तो आपको बता दें कि देखिए दो माइक है, इसको भी अगर आप चाहते हैं तो इसको भी ऑन कीजिए यहाँ से, देखिए इस तरह से इसको भी आप ऑन कीजिए। ऑन हुआ, देखिए ऑन हो चुका है, आप सभी देख पा रहे होंगे ऑन है। अब देखिए हम इसमें बोलते हैं हेलो गाइस, ठीक है, इसको भी यहाँ पर साइड रखते हैं, इसमें बोलते हैं हेलो गाइस, तो कैसे हैं, आई होप आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों है ना अच्छा क्वालिटीज, आइए हम दिखाने वाले आप सभी को कि इस माइक से दूर से कैसा आवाज आता है, ठीक है ना। तो चलिए दूर से हम इसको देखते हैं, पहले एक को अभी हम ऑफ कर लेते हैं, एक को ऑफ कर लिया हम, अभी हम एक से ही चेक करते हैं, इसको नीचे रख देते हैं, ये हमारा माइक है। चलिए हम पहले फोन को का जो एंगल है इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार। हमारा छत है समझिए, आज की धान सब का समय है, इसलिए देखिए आप सभी को दिख रहा होगा पीछे जो कि पुआर सब इसको बोलते हैं हमारे आम भाषा में। आइए अभी हम दूर चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं इसका वॉइस कितना दूर तक पकड़ता है, यानी कि कनेक्ट रहता है। तो चलिए सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं दोस्तों, आज फिर से एक और नए वीडियो में। सो दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो जर्नी रहा है गाइस, काफी ये समझ सकते हैं क्रिटिकल रहा है। आप सभी को वॉइस अच्छा से आ रहा होगा, क्योंकि अभी हम समझिए कि 10 मीटर की दूरी पे हैं, अब यहाँ पे भी आ चुके हैं, आप सभी को अच्छा वॉइस क्लियर आ रहा होगा ना। तो ये होता है गाइस माइक का क्वालिटी, बहुत ही अच्छा लगा है हमें, इसलिए मैं इसको परचेज किया हूँ। चलिए अभी हम आ जाते हैं अपने फोन के पास, और आपको गाइस बताना है कि इस जो हम ये लिए हैं माइक, इसका कैसा आवाज का क्वालिटीज है, वॉइस कैसा आ रहा है। अभी हम जो इस फोन का जो आवाज शूट किए हैं उसका, और इसका आप सभी को बताना है कैसा इसका आवाज क्लियर आ पाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आपको बता दें कि जिनको भी अगर YouTube पे काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको जो कि देखना होगा कि आपके पास अच्छा तो होना ही चाहिए, जो कि ट्राइपोड और फोन और माइक, तभी आप एक अच्छा वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं YouTube के लिए, ठीक है ना गाइज। तो आपको बता दें कि मैं अभी जो बता दूं कि आपको हम जो कि 2021 से हम अभी जो कि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होती है, आपको देखिए क्या होता है कि अगर आप YouTube पे काम करते हैं तो आप या तो
10 दिन में आप वायरल हो सकते हैं, या फिर आप जो कि 1 महीने लग सकता है, या फिर आपको 6 साल भी लग सकता है। तो आपको अपने अंदर पेशेंस बनाना है और काम करना अच्छे से। और आपको ये कोशिश रखना है कि आपको अपने पब्लिक को एक अच्छा कंटेंट दे सके, तभी हमसे वो जुड़ पाएंगे। अच्छा देखिए, अगर कोई भी इंसान हमसे अगर जुड़ते हैं तो क्यों जुड़ते हैं? हमसे कुछ सीखने के लिए, हमसे कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। तो आप उनको दीजिएगा उस तरह से, तभी आपको आपसे जो कि जुड़ेगा वो। तो ये होती है बातें। तो आप सभी को हम बता दें कि आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आप सभी को वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए प्लीज कमेंट कीजिएगा, आपको हम उस पे वीडियो बनाएंगे। हालांकि मैं गाइस एक कंप्यूटर टीचर हूँ और मैं कंप्यूटर सिखाता हूँ, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है QIIT कंप्यूटर एकेडमी, जो कि हमारा बिरौल पड़ता है, दरभंगा बिरौल, जो कि बोल सकते हैं सुपर बड़ा बिरौल जो कि पड़ता है, ठीक है ना। और आप सभी के लिए एक ऑफर भी है, जिनको भी अगर कंप्यूटर सीखना हो, चाहे फिर DCA करना हो, ADC कोर्स करना हो, या फिर आपको टैली करना हो, तो आपको बहुत ही कम फीस में आप सभी को हम DCA ADCA टैली करवा सकते हैं। तो जिनको भी करना हो, तो आप सभी को नंबर दिख रहा होगा नीचे में, आप इस पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, या तो हम कॉल आपका रिसीव कर सकते हैं, या तो हमारा डायरेक्टर साहब है वो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। चलिए।